हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 2 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि किंग बेलमोंड ने लेसी से पूछा था कि तुम कौन हो। ये सुनकर लेसी सोचती है कि हमारे किंग की बॉडी तो स्ट्रॉन्ग ऑरा से, चार्म से और पावर से भरी हुई थी, लेकिन ये तो एक टीनेज बॉय लग रहे हैं। और वो किंग बेलमोंड के फेस को अपने चेस्ट पर लगाते हुए रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ये आप ही हैं किंग बेलमोंड, मैं लेसी हूँ। और लेसी का नाम सुनकर बेलमोंड को सब कुछ याद आ जाता है। तो किंग बेलमोंड लेसी से दूर हटते हुए बोलता है कि तुमने लेसी का रूप क्यों लिया हुआ है। और वो लेसी की चेस्ट को देखते हुए बोलता है कि लेसी के तो इतने बड़े बड़े नहीं थे। तो इस पर लेसी शर्माते हुए बताती है कि ये मैं ही हूँ। वॉर के बाद सभी डीमंस की मैजिकल पावर्स भी सील हो गई और हमने अपनी सभी एबिलिटीज को भी खो दिया। हमें से कुछ डीमंस ने इसे बदलने का रास्ता खोज निकाला था, इसलिए मैं डीमन सिटी में छिपकर ब्लैक मार्केट से ड्रैगन स्लावा को इकट्ठा कर रही थी। और जब हमारी तैयारी पूरी हो गई तो हम बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और वो अपने आप को टाइट करके पकड़े हुए होती है और कहती है कि मैं अपने उस रूप को बहुत मिस करती हूँ। तो ये सुनकर किंग बेलमोंड बोलता है ओह, तो इसकी ये बॉडी दूसरों को धोखा देने के लिए है। फिर उसे आलिया की याद आती है तो वो कहता है कि उस वूमेन ने जो मैजिकल एलिमेंट का यूज किया था, मेरा उससे पहले कभी उस तरह के मैजिक से सामना नहीं हुआ था। और वो वहां से जाने लगता है। तो लेसी बोलती है कि भले ही हम डीमंस को इंसानों ने कितना भी बुली क्यों ना किया हो, लेकिन अब आप हमें लीड करने के लिए आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। तभी किंग बोलता है नहीं। इस पर लेसी चिल्लाते हुए बोलती है व्हाट। तो इस पर किंग बेलमोंड बोलता है कि यहां पर कुछ जरूरी काम है जो मुझे पहले करना है। और वो पास में रखी हुई ड्रेस को निकाल कर पहन लेता है। तो लेसी किंग बेलमोंड से पूछती है कि हमारी डीमन रेस की ग्लोरी को वापस लाने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस पर किंग बेलमोंड लेसी को बताता है कि मैं किंग 1000 साल पहले हुआ करता था, और अगर आज सब लोग पीसफुली एक साथ रह रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेसी चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो रुक जाती है और सोचती है कि एक टाइम पर डीमन किंग की पावर बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी तो सिर्फ ये एक टीनेज बॉय ही है। फिर लेसी किंग से पूछती है कि ये बताइए कि हीरो ने आपकी पावर्स को सील करने के लिए क्या यूज किया था। तो इस पर किंग बेलमोंड सोचते हुए बताते हैं कि मुझे जो अभी याद है वो औरत उस मैजिक को डुअल कल्टिवेशन मेथड बोल रही थी। इसके रिचुअल में वो आपके होंठ से होंठ लगाकर आपके शरीर से सारा फ्लूइड निकाल लेती है। ये सुनकर लेसी को झटका लगता है क्योंकि वो समझ जाती है कि हाँ किसकी बात हो रही है। तो वो किंग बेलमोंड से पूछती है कि डुअल कल्टीवेशन मेथड में आपको कैसा एहसास हुआ था। तो इस पर किंग बताता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बॉडी का सारा ब्लड मेरी टांगों के बीच में एक जगह इकट्ठा हो रहा है। ये अजीब से दर्द का एहसास था जिसे बताया नहीं जा सकता। ये सुनकर लेसी चेहरा लटकाते हुए बोलती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि शायद वो अननोन मैजिक ही है, लेकिन उसे सब कुछ समझ आ गया होता है। तभी लेसी के पीछे ओहम निकलती है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है कि मैंने भी कुछ सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ जैकपॉट लग जाएगा। ओहम को वहां देखकर लेसी चौंक जाती है और कहती है कि रॉयल नाइट ये यहाँ कहाँ से आ गई। ओहम किंग बेलमोंड से कहती है कि चारों मैजिकल एलिमेंट्स के लेजेंडरी मास्टर किंग बेलमोंड, मुझे नहीं लगा था कि एक दिन तुम इस तरह फिर से जिंदा हो जाओगे। ये देखकर लेसी किंग बेलमोंड को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन ओहम अपने एयर मैजिक का यूज करके लेसी को पीछे फेंक देती है। तो किंग बेलमोंड लेसी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो लेसी बोलती है कि मैं ठीक हूँ किंग बेलमोंड, लेकिन प्लीज आप यहाँ से भाग जाइए। तो इस पर ओहम बोलती है कि मेरे एयर मैजिक को कमजोर मत समझो, इस समय तुम बस खुद को मुझसे बचाओ। ये देखकर किंग बेलमोंड बोलता है कि तुम्हारा ये मैजिक तो बस एक ट्रिक है, अब तुम मेरी पावर देखो। जैसे ही वो अपनी पावर्स का यूज करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो उसकी पावर्स काम नहीं करती। तभी किंग बेलमोंड को याद आता है कि उसके पास उसकी पावर्स नहीं है। तभी ओहम उस पर अपनी पावर्स से अटैक कर देती है, जिससे एंड टाइम पर लेसी किंग को बचा लेती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो इस पर किंग बेलमोंड बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये लोग हमारे लोगों को इस तरह से ट्रीट करते आ रहे हैं। इस पर लेसी बताती है कि वैसे तो हमें इक्वल राइट्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को हमारी एक्सिस्टेंस ही पसंद नहीं है। ये सुनकर डीमन किंग आलिया के स्टैचू को घूरते हुए कहता है कि शायद तुम सक्सेसफुल हो गई। तभी लेसी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए किंग से बोलती है
कि मैंने इतने सालों में इंसानों का थोड़ा सा मैजिक सीख लिया है, जिससे मैं आपके लिए कुछ समय निकाल लूंगी। ये देखकर ओहम बोलती है कि मैं तुम्हारे हाथों के स्लाइस करके तुम्हें सिटी हॉल में ले जाऊंगी। ये देखकर किंग बैलमोर सोचता है कि यह इतनी सी पावर से तो लेसी सिर्फ मारी ही जाएगी, और मैं तो अभी वापस से जिंदा हुआ हूँ, मैं दोबारा भी मरना नहीं चाहता। अपनी पावर को दोबारा चेक करता है और सोचता है कि मैं अपना कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ। तभी उसे आलिया के उस अननोन मैजिक की याद आती है और वो तुरंत लेसी को आवाज देता है और फिर उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है। उसके किस करने से लेसी की कुछ पावर्स किंग बेलमोंट की बॉडी में आ जाती हैं और किंग बेलमोंट की कुछ पावर्स रिस्टोर हो जाती हैं। बेलमोंट बोलता है कि ये काम कर रहा है। फिर वो बताता है कि 50 सालों में मेरे साथ सिर्फ डुअल कल्टीवेशन मेथड ही था। किंग बेलमोंट कुछ हद तक डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, जिसे ऐसा देख कर ओहम बोलती है कि तुम मुझसे नहीं बच सकते हो, और वो एयर एलिमेंट से अटैक कर देती है। लेकिन उस अटैक को किंग बेलमोंट अपने एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अपने फायर एलिमेंट का यूज़ करके अपने हाथ से एक फायर वॉल ओहम पर शूट कर देता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है। धमाके के कारण ओहम की ड्रेस भी जल जाती है और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है और कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो किंग बेलमोंट कहता है, हीरो के मुझे सील करने के बाद मेरे पास यही पावर रह गई थी। तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने इस मिस्ट्री को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया है, नहीं तो तुम पापड़ की तरह जल जाती। तो इस पर ओहम चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो लेडी आलिया की सीक्रेट टेक्निक थी, तुम जैसा डीमन कचरा इतने एडवांस मैजिक को कैसे यूज कर सकता है। तो इस पर डीमन किंग उसे कहता है कि डीमन रेस कमजोर नहीं है और वो ओहम को एक पंच मार कर बेहोश कर देता है। फिर वो लेसी से कहता है कि मुझे डीमन रेस के ऊपर से ये सील हटानी होगी, तो इसलिए मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हों, क्योंकि यही डुअल कल्टीवेशन मेथड डीमन रेस को रिवाइव करेगा। लड़कियों की बात सुनकर लेसी चौंक जाती है और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।